संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाषा विज्ञान में हमने आकृति मूलक के विषय में थोड़े जानकारी अर्जित करी थी। उम्मीद है आपको वो वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने संस्कृत श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। और भाषा विज्ञान का आप जो विस्तृत अध्ययन करने जाएंगे, हम सभी को श्लोक के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। कुछ विस्तृत हो जाएंगे इसमें, क्योंकि श्लोक याद करना होता है तो ये शॉर्ट हो जाता है बड़ा ही, लेकिन श्लोक को जब हम उसको देखते हैं अलग अलग करके तो थोड़ा विस्तृत हो जाता है। लेकिन विस्तृत चीजों का अध्ययन करने से मस्तिष्क में सही से बैठ जाती हैं। तो आकृति मूल को देखा था हमने, वो पदगत था, अर्थात पद तत्व था, अर्थात रचना तत्व उसमें प्रधान था। आज हम पारिवारिक के बारे में जानेंगे। दो भागों में बांटा गया था, आकृति मूलक और पारिवारिक। उसमें मैंने पारिवारिक मूलक कर दिया है, पारिवारिक होता है, मूलक शब्द नहीं लगता उसमें। इसमें दो चीज मुख्य होती हैं, पद तत्व तो होता ही है, अर्थात रचना तत्व या रूप तत्व जिसको बोला जाता है वो तो होता ही है। उसमें एक चीज और जुड़ जाती है जिसका नाम है अर्थ तत्व। तो अर्थ तत्व और रचना तत्व मिलकर के जब उनको विश्व की सभी भाषाओं में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों को मिला करके देखा, तब इसको और थोड़ा सा विस्तृत करना पड़ा और इसके खंड थोड़े से बढ़ गए हैं। उसको हम देखेंगे आज कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो चलिए चलते हैं पारिवारिक पर। हम पारिवारिक, इसमें सीधे श्लोक पर ही चलते हैं, फिर बाद में इसमें देखेंगे श्लोक लिख लेते हैं। पारिवारिक भेदस्तु अष्टादश, इसको समझाना भी है बाद में, पहले इधर साइड में ले लेते हैं। उम्मीद है ये यहाँ तक सही आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं। पारिवारिक भेदस्तु अष्टादश मितामता, यूरेशियायां द्रविड़ो भारोपीयश्च यूरेशियायां द्रविड़ो भारोपीयश्च काकशः, ब्रूषस्कि चायुराल पुरुषस की चायुराल अलताई बास्क चीन का, अत्युत्तरी च जापानी, अत्युत्तरी च जापानी सामी हामी तथैव च,
जब इसको हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस श्लोक के माध्यम से ये जो खंड किए गए 18 अष्टादश वो बहुत ही सरल हो जाते हैं। आगे चलते हैं हम। अफ्रीका देशजा प्रोक्ता सुनानी बुश भूत बुशमनी। बांधु सामीचा सामीचा चतुर्धेता विभाजिता। प्रशांते मलई चैव प्रशांते मलई चैव पापुआ ऑस्ट्रेलियन तथा। प्रशांते मलई चैव पापुआ ऑस्ट्रेलियन तथा एशियन दक्षिणा पूर्वा चतुर्धेता विभाजिता। अमेरिकायां अमरीकी अमेरिकायां अमरीकी सहस्रात्मा सहस्रात्मा प्रसरपति महाद्वीप गता भेदा समासेनात्र कीर्तिता। इस तरह से ये पूरा हो जाता है। अब हम यहां से थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे। पारिवारक भेदस्तु अष्टादशमिता मतः। गलतियां भी होंगी वो भी सुधरती चली जाएंगी। यूरेशियायां द्रविड़ो भारोपीयश्च काकशः बुरुशस्की चा यूराल अल्ताई बास्क चीन का अत्युत्तरी च जापानी सामी हामी तथैव च अफ्रीका देशजा प्रोक्तः सूडानी हो तो बुश्मनी बांतु सामी च हामी च चतुर्धैता विभाजिता। प्रशांते मलैव चैव पापुआ ऑस्ट्रेलियन तथा एशियन दक्षिणा पूर्वा चतुर्धेता विभाजिता। अमेरिकायां अमरीकी सहस्रात्मा प्रसर्पति महाद्वीप गता भेदा समासेनात्र कीर्तिता समासेनात्र कीर्तिता। इस तरह से ये विभाजन किया गया है खंड के हिसाब से। महाद्वीप यहाँ नीचे है महाद्वीप गता भेदा अर्थात महाद्वीप खंड बनाए गए थे और उनके हिसाब से यहाँ इनका ये विभाजन किया गया है। तो ये विभाजन जो हुआ है वो मैं यहाँ खंड और इनके विभाजन को यहाँ दर्शाता चला जाऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ी थी जिससे कि ये साथ समझ में आ जाए। तो पहला लेते हैं पारिवारक भेदस्तु अष्टादश मिता मता, यानी 18 जो पारिवारक कितने बनाए थे इसमें
18 परिवार बनाए हैं, पूरे विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं वो 18 परिवारों में विभक्त की गई हैं, ठीक है। अब पहला जो खंड बनाया है उसका नाम है यूरेशियायाम, यानी यूरेशिया खंड, इसको नाम दे दो ए, यूरेशिया, यूरेशिया खंड। अब यूरेशिया खंड में कितने परिवार हैं अब हम वो देख लेते हैं। प्रथम है द्रविड़ों यानी द्रविड़ परिवार, भारूपीय परिवार दूसरे स्थान पर, भारूपीय परिवार से क्या तात्पर्य है, भारतीय और यूरोपीय, ठीक है, ये दो हैं इसके नाम, भारतीय और यूरोपीय, भारूपीय बना दिया भारतीय और यूरोप को मिला करके। तीसरा है काकशाह यानी काकशी परिवार, यहां परिवार लगा लेना, ठीक है, सब में परिवार नहीं लगाऊंगा मैं, ऐसे लगाता चला जाऊंगा। चौथे है बरुशस्की, बरुशस्की। पांचवे स्थान पर है यूराल अल्ताई, ये दोनों एक ही हैं, यूराल अल्ताई। छठवें स्थान पर है बास्क चीन का, यानी कि बास्क है, बास्की। और सातवें स्थान पर है चीन, चीनी, बास्की परिवार और चीनी परिवार, ये सब परिवार है याद रखना है। आठवें स्थान पर है अत्युत्तरी, अत्युत्तरी को, अत्युत्तरी परिवार को एक और नाम दिया गया है हाइपर बोरी, याद रखना इसको, कभी कभी ये अत्युत्तर ना देकर के हाइपर बोरी दे देंगे तो ये पूछते हैं कि किस खंड की भाषा है, ये प्रश्न किस तरह से बनते हैं मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पहले इसको बना लेते हैं। नवे स्थान पर है जापानी, जापानी, जापानी के संघ में कोरियाई और इसमें सम्मिलित की जाती है, ठीक है। और दसवें स्थान पर है सामी हामी तथई विचार, अर्थात साम, सामी और हामी, सामी हामी को सेमिटिक हेमेटिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको एक बार और देख लें, मैंने ये देखा है कि जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मात्रा अवश्य रह जाती है, ये मेरे साथ तो ज्यादातर हो रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि गलतियां ना हो, लेकिन बताने के जो स्पीड बढ़ जाती है तो थोड़ी सी वो छूट जाती हैं चीजें। यूरेशिया खंड में 10 परिवार आते हैं, ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि यूरेशिया खंड में कितने परिवार को सम्मिलित किया गया है, तो हमें याद रखना है कि 10 परिवार को सम्मिलित किया गया है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्रविड़ परिवार किस खंड के अंतर्गत आता है या भारूपी परिवार किस खंड के अंतर्गत आता है, तो हमको याद रखना वो यूरेशिया खंड के अंतर्गत आता है। तो द्रविड़ परिवार, भारूपीय परिवार, काकशी परिवार, बुरुशस्की परिवार, यूराल अल्ताई परिवार, ये सब यूरेशिया खंड के अंतर्गत आते हैं। बास्की परिवार, चीनी परिवार, अत्युत्तरी, हाइपर बोरी भी बोला जाता है इसको, ठीक है, जापानी, क्योंकि यहां जापानी दे रखा है लेकिन इसमें कोरिया भी सम्मिलित किया जाएगा, जापानी, कोरियाई और सामी हामी, सामी हामी को सेमेटिक हेमेटिक भी बोला जाता है। तो उम्मीद है ये बात आपको यूरेशिया खंड की बिल्कुल सही से दिमाग में बैठ गई होगी। मैं अब इसके बाद अफ्रीका देश में जो बोली जाने वाले जो परिवार हैं, आने वाले परिवार हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, है ना, क्योंकि सामी हामी अफ्रीका परिवार के उसमें खंड में भी आ रहा है, तो यहां पर अगर आ जाए कि सामी हामी किसके अंतर्गत आता है और विकल्प में दे रखा हो कि यूरेशिया खंड या अफ्रीका खंड, यूरेशिया या दोनों विकल्प आ जाए तो दोनों में ही लगाना है, लेकिन सामी हामी जो मुख्यतः जो हिस्सा है परिवार वो यूरेशिया खंड का है, इसमें याद रखना, यहां पर बहुत कम मात्रा में पाया जाती है ये भाषा सामी हामी सेमिटिक वाली इस खंड में, इसलिए कि इसमें सम्मिलित कर ली गई है ये, क्योंकि थोड़ी मात्रा में सही आती तो है, ठीक। चलिए अब हम अगले इस पर अफ्रीका चलते, इसको थोड़ा मिटाएंगे तब आगे चलेंगे। इसमें दो तीन चीज देखनी है, ये काकेशी परिवार है ऐसे ही, ये बास्क के नाम से जाना जाता है ना, बास्की नहीं है, बास्क परिवार के नाम से जाना जाता है। और द्राविड़ है, यहां द्राविड़ के नाम से जाना जाता है ऐसे ही,
सामी हामी तो बता ही दिया था, ये हाइपरबोरी है ही है ये। तो ये दो तीन नाम हैं, ये सही कर लेने हैं, दिमाग में भी बैठा लेने हैं, क्योंकि ये इसमें जो बनाया गया है वो एक रूपरेखा है श्लोक के माध्यम से बनाने का, लेकिन इनको इस तरह से इसको द्रविड़ यहाँ बनाना मजबूरी थी। यहाँ पे द्राविड़ परिवार है, काकेशी परिवार है, ठीक है, बास्क परिवार है, बास्क जैसा का तैसा रहेगा, और इसको हाइपर बोरी भी बोला जाता है। ठीक, अब हम अफ्रीका देश पे चलेंगे। अफ्रीका खंड, अफ्रीका खंड में अफ्रीका देशजा प्रोक्ता सूडानी पहला परिवार आता है, सूडानी परिवार। दूसरे स्थान पर आता है होतेंतोत, इसका पूरा नाम है होत का, होतेंतोत बुशमैनी, यहां पर इसका हलंत लगता है लेकिन यहां पर हलंत नहीं लगेगा, बुशमैनी इसके लिए पूरा नाम दिया गया है, होतेंतोत बुशमैनी ये इसका पूरा नाम है, ये परिवार है होतेंतोत बुशमैनी परिवार। तीसरे स्थान पर जो है वो बांतू परिवार के नाम से जाना जाता है, बांतू, बांतू परिवार है, लेकिन सामी हामी का इसमें चौथा स्थान लिया ही नहीं गया है, उसको छोड़ दिया गया है। मैंने बताया था ये अफ्रीका खंड में बहुत कम स्थान में आता है, इसलिए जब इसका इसको तोड़ा गया है, इस सूत्र को श्लोक बनाया गया है ये, तो एक तरह से तो चतुर्धेता विभाजित, चतुर्भाग में विभाजित तो इसमें जरूर दिखाया गया है, लेकिन चतुर्भाग में इसमें जब इसको क्रम से दिखाया जाता है तो फिर तीन ही उसके हिस्से रह जाते हैं, ये बस याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें चलेंगे, बस इसमें तीन ही है याद रखना है, तीन परिवार आते हैं, चौथे परिवार का विकल्प है लेकिन मुख्य रूप से दर्शाया नहीं गया उसको, जब परीक्षा में आ जाए यदि ये, तो अगर दोनों आ रहे हैं तो दोनों परिवार में हमने लगाना पड़ेगा, एक परिवार में नहीं लगाना होगा। चलिए अब हम थोड़ा इस पर चलेंगे, प्रशांत वाले पे, प्रशांत महासागरीय खंड, प्रशांत महासागरीय खंड में प्रथम स्थान पर है मलई, मलई बहु द्वीपीय, ठीक है। दूसरे स्थान पर है पापुई, पापुई परिवार। तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन परिवार। चौथे स्थान पर है एशियन, लेकिन एशियन कौन से, दक्षिण पूर्वी एशिया, एशियन परिवार है, कोष्ठक में याद रखना है, दक्षिण पूर्वी एशिया कहते ना, दक्षिण पूर्वी एशिया, तो वो एशियन परिवार पूरा जाता है इसमें, दक्षिण पूर्व। ये चार है, अब इसमें जो चतुर्धा दिखाया गया है वो इसके लिए ठीक है, चतुर्धा चतुर्धेता विभाजिता, यानी कि जो प्रशांत महासागरीय खंड है उसके चार भाग है, अर्थात उसमें चार परिवार सम्मिलित किया गया है, मलय बहुद्वीपीय परिवार को सम्मिलित किया गया है, पापुई परिवार को सम्मिलित किया गया है, ऑस्ट्रेलियन परिवार को सम्मिलित किया गया है, और एशियन दक्षिण पूर्व जो है उस परिवार को सम्मिलित इसमें किया गया है। तो इसमें चार परिवार हैं प्रशांत महासागरीय खंड में। अब आता है अमेरिका, यहां है एक, इसमें ज्यादा खंडी नहीं है इसलिए यहां सीधे लिख लेते हैं, अमेरिका खंड, अमेरिका खंड में कोई भी
परिवार सम्मिलित नहीं है, ये अपने आप में ही है। इसमें कहा गया अमेरिकायाम अमरीकी, यानी अमेरिकायाम अमरीकी सहस्त्र आत्मा प्रसरपति, अर्थात वहां सहस्त्र भाषा है, यानी अमेरिका की ही हजारों भाषाएं, हजार भाषा, इसमें हजार भाषाएं आ जाती हैं अमरीकी, ठीक है, अमरीकी हजार भाषाएं इसमें अमेरिका खंड में सम्मिलित हैं। तो वहां किसी भी परिवार को अन्य को सम्मिलित नहीं किया गया, स्वयं में बहुत बड़ा परिवार है। तो इस तरह से महाद्वीपीय में जो खंडन किया है इसका पारिवारिक वाला, वो हमने देखा है, बहुत संक्षिप्त विधि से समझाने का प्रयास किया है। इसके बारे में दूसरा खंड इसका आएगा, क्योंकि ये अभी पूरा नहीं है, इसके बारे में विस्तृत रूप से थोड़ी सी जानकारी लेंगे। प्रथम परिवार तो वो लगभग पूरा हो गया था, उसमें थोड़ा सा उदाहरण थे वो हमने छोड़ दिए हैं, भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो उसको समझा देंगे। प्रश्न जो उसमें से बन जाते हैं 90% केवल उसी इसी खंड में से, जो पिछली बार पढ़ा था आकृति मूलक वाला, उसी में से ज्यों की त्यों आ जाते हैं। उदाहरण जो दिए हैं वो ज्यों की त्यों आ जाते हैं। इसमें से थोड़ा सा और जानेंगे हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समस्या होगी, ज्यादा बड़ा वीडियो बोर करने लग जाता है। आज के लिए इतना ही।